हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो भाई, आज संडे और अभी टाइम हो रहा है कुछ 11 के आसपास। उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चे मानते नहीं है उठाए बिना। यार उठाई दिया, और सुबह से सुबह सुबह शोर मचा रही है, खाना खा लो, खाना बना रही है, मेरे को फ्री कर दो, मेरे को फ्री कर दो। 10 बजे से लगी हुई है, दूध निकल रहा है, देखो दूध निकल रहा है, पता भी नहीं लग रहा दूध निकल। तो सुबह सुबह बन रहे हैं पराठे, तो दही के साथ पराठे कर लेंगे आज, करेला ट्राई कर लेंगे। मैं अच्छे लगते हैं सब पराठे। तुमको दे के आता हूँ पानी हमारी राजी को, ये देखो दोनों की हालत। ये लीजिए, ये काफी देर से खाना रख के बैठे हैं, लेकिन क्योंकि YouTube चल रहा है ना, तो इसलिए खाना नहीं खा रहे। बस अभी खाना वाना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जाएगा, आप लोग बताना प्लीज हम कहाँ जाएं। इलाटे जाना चाहिए वैसे तो मुझे लगता है, क्योंकि वहीं पे एसी लगा हुआ है, अदरवाइज तो गर्मी में। आज तो गर्मी भी ऐसी वाली हो रखी है, चिल चिल वाली धूप होते हैं जैसे कहते हैं, चिपचिपी वाली धूप, वो वाली धूप है उल्टी वाली। और भाई एक आज ना रात भर मुझे नींद नहीं आई, एक चीज मेरे दिमाग में ना बहुत देर से खटक रही है, वो ये है कि कल क्या हुआ है। कल पुलिस ने ना किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। टोल प्लाजा के ऊपर बैठे थे किसान काफी सारे, और पुलिस ने उसके ऊपर बड़े हरेमी से लाठीचार्ज किया है। आई डोंट नो ये किसके ऑर्डर से हुआ है, लेकिन जिसके ऑर्डर से हुआ ना, दिस इज पैथेटिक यार। ये मतलब उन लोगों को इतनी चोटें आई है, उनके हाथों भी लगी है, उनके सिर फट गया बेचारों के। तो मतलब मुझे बहुत ही मतलब पैथेटिक सिचुएशन है ये, और सीरियसली मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ इस चीज से, और रात भर से मैं इस चीज को लेकर बड़ा डिस्टर्ब हूँ। मतलब किसान किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपना आंदोलन कर रहे हैं। कि अगर आपने आंदोलन मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो यार उनको किसी ना किसी तरीके कोई और वे आउट निकाला जाए। ऐसी सिचुएशंस को देख के ना कई बार हमें खुद को ऐसे लगना जाता है, यार ये हम अपनी कंट्री में रह रहे हैं, यही इंडिया है, यहाँ पे किसान जो है वो सेफ नहीं है, तो हम लोग क्या सोचते अपने आप को कि हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम सेफ हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है यार, ऐसे तो ऐसे ऐसे ऑर्डर अगर निकलेंगे तो फिर हम लोगों में तालिबानियों में और क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो यार मैं सीरियसली इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा मतलब आई हैव नो वर्ड्स इसके लिए, लेकिन ये बहुत घटिया हरकत है जिसकी भी है। मैं इसकी ना बहुत 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 बहुत, बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ जो भी ये हुआ है ना इसके लिए। तो सीरियसली यार ऐसे तो मतलब ऐसे तो नहीं रह सकते यार, ये तो इंडिया के हालात नहीं हो सकते, ये हमारा इंडिया तो नहीं है। वो भगत सिंह के बैच लगा के बैठे हैं वो तो, और उन लोगों के ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हो, आपको शर्म आने की कहने लो ठीक है यार, ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपके बाप वहाँ बैठा होता, वो बुढ़े बुढ़े बैठे हैं बेचारे, बुजुर्ग बैठे हैं, कोई वहाँ पे जवान लोग नहीं है, क्योंकि सब जवान लोग काम करने लगे हुए हैं। अगर आप लोगों के बाप वहाँ बैठे होते, आपके चाचे ताऊ बैठे होते, आपके खुद के बच्चे अगर वहाँ बैठे होते, तो भी आप उनके ऊपर ऐसे लाठीचार्ज कर देते क्या? मैं मानता हूँ कि आप लोगों की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो ऑफिसर जिन्होंने ये ऑर्डर दिए हैं उन लोगों को तो एटलीस्ट ये सोचना चाहिए ना, आप क्यों नहीं उनको कंपनसेशन दे रहे हो, क्यों नहीं आप उनका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हो, जिससे कि वो लोग जो है अपना सिस्टम सही कर सके। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्यों लड़ रहे हैं, इसलिए तो लड़ रहे हैं ना क्योंकि उनको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, उनको नुकसान ज्यादा हो रहा है, उनकी उनकी ग्रोथ करने की ग्रोथ का उनको कोई खास मतलब प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यार हम लोग गाड़ियों में लेके घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं, तो उनका हक नहीं बनता क्या यार? वो लोग भी अपने बच्चों को अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, पढ़ाएं, अच्छे कपड़े डालें, क्यों भाई ये क्या तरीका हुआ? मतलब आपके पास अगर 2 पैसे आ गए तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ऐसे हरकत करनी शुरू कर दोगे, और ये सबके लिए है, ये मेरे अकेले के लिए नहीं है यार। जो मेरे मतलब मैं फील कर रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखे होते ना, तो आप लोग भी सेम फील कर रहे होते, बहुत गंदी चीज है वो। मतलब यार उनके सर फट गए, किसी का हाथ टूटा हुआ है, और जैसे इसके लिए मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब आज अपसेट होगा इसके लिए। तो सॉरी मैं ये वीडियो ऐसे बनाना नहीं चाहता था, लेकिन सडन मेरे दिमाग में रात से घूम रही है, वो रात को देखी थी मैंने वीडियो को, और मैं इसको रोक नहीं पाया। तो एनी हो, अभी फिलहाल तो मैं इसको बंद करता हूँ। सुबह उठ के खाना आ चुका है, आज बिना नहाए धोए खाना खा रहे हैं। और ये देखो खाने में क्या मिला मुझे, करेले की सब्जी और ये दही के साथ पराठे। मुझे सुमन भी सेम खा रही है खाना, आज हम दोनों इकट्ठे खाना खा रहे हैं। मुझे तो करेले साथ दही अच्छी लगती है।
और बस हम कोशिश करेंगे वो बच्चे टीवी पे अब तक घुस रहे हैं, ये सुबह से अभी तक टीवी के अंदर ही है। और मैं देख रहा था न्यूज़, वो जो लाठीचार्ज हुआ है उसके ऊपर, किसानों के ऊपर बहुत घटिया हरकत जो हुई है वो देख रहा था, क्योंकि उसी को देखूंगा मैं अक्सर रखना है। तो फिलहाल अभी खाना खा लेते हैं और खाना खा के नहा धो के प्यार हो के देखते हैं कि अगर आए। तो अभी हो रहा है शाम को 3:15 का टाइम और मैं पी रहा हूँ चाय इसके साथ, नमकीन के साथ, और सिद्धार्थ कर रहा है फ्रूट। और सुमन लेती है कि भाई थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, लेकिन इसको लेटना नहीं मिलेगा क्योंकि एक चो जो है इसके हाथ में नहीं आ रही बहुत देर से, ये भागी जा रही है जैसे, और ये इसको बार बार पकड़ पकड़ के सुलाने की कोशिश कर रही है। तो मेरा सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, मोबाइल ठीक करवाने हैं 2-3, और अब निकलूँगा यहाँ से। और आज से संडे तो मुझे पता नहीं मोबाइल मार्केट चंडीगढ़ में खुली होगी कि बंद होगी, लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं। और एक तो काम हो रहा है वो और कराता हूँ, तब तक सुमन को तो घर के काम है अभी, ये तो आज घर में ही कपड़े कपड़े धोएगी और पता नहीं काफ़ी क्या क्या काम करेगी। मैं तो चाय पी के निकल रहा हूँ क्योंकि देखो इच्छू रहने नींद आ रही है इसको, लेकिन ये बिल्कुल भी सोने की कोशिश नहीं कर रही। सोना नहीं क्या? इसको घूमने जाना है, इसको भी घूमने जाना है। हे फ्रेंड्स, तो अभी मैं और सिद्धार्थ जा रहे हैं चंडीगढ़, तो ये इसको मैं लेकर जा था लेकिन धक्के से मेरे साथ आ गया। और मास्क लेके आया सिद्धार्थ तुमने? तो इसको मैं लेकर जा रहा था लेकिन फिर भी मेरे साथ आ गया कि मेरे को भी चलना साथ में। तो चलो कोई बात नहीं, संडे है तो इसको ले चलते हैं। तो आज हम सफारी नहीं लेके जा रहे, हम लेके जा रहे हैं इटियोस, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा। हम दोनों आज बाप बेटा चल पड़े हैं चंडीगढ़ की सैर करने के लिए। मेरे देखो क्या डाकू बना हुआ है, और ये हमारा बैग पूरा फोनों से भरा हुआ है। हमारे इसके अंदर 4-5 फोन है जो हमें ठीक करवाने हैं। उसकी डिस्प्ले टूटी हुई है, इतने के फोन नहीं है, इतने की डिस्प्ले है। तो आज हमने फाइनली निकाल ही लिए, ये पड़े पड़े तो ये ऐसी बेकार ही हो रहे हैं। तो सिद्धार्थ को चाहिए एक फोन तो इनमें से सबसे पहले, तो देखते हैं ओप्पो देंगे या फिर इसको सैमसंग का देंगे। अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ सेक्टर 22 के मार्केट में फोन की डिस्प्ले डलवाने के लिए, और सुमन का फोन भी ले लिया, उसका भी टेम्पर ग्लास लगवाना है। तो देखते हैं जाके जो जो ठीक हो जाएगा वो ठीक करवा लेंगे। चलो चंडीगढ़ आ रहे हैं और अब देखते हैं फोन, आजकल कैमरे वैमरे लग गए हैं और चलान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ऑलरेडी हमारे 2-3 ऑनलाइन चलान आ चुके हैं, चलो ठीक है गाइस मिलते हैं 22 सेक्टर के बाद। अभी हम आ गए सेक्टर 22 की मार्केट और बड़ी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली है, और पार्किंग करके अब हम जा रहे हैं अंदर। तो देखते हैं अंदर जाके कहाँ से हमें इसका डिस्प्ले मिलेगी और कम रेट पे मिलेगी, वहीं से ले लेंगे। चले डिस्प्ले क्या डलवाई लाएंगे? भाई अपन ने सारे फोन जो है ठीक करवा लिए, डिस्प्ले चेंज करनी थी वो डिस्प्ले डलवा ली, और जिसके अंदर हमने टेम्पर ग्लास ले ली सारे फोन के अच्छे वाले, और ये होलसेल मार्केट थी यहाँ पे सेक्टर 22 के अंदर। ओप्पो भी हो गया, और वो ले लिया टेम्पर ग्लास, उसका प्रॉपर टेम्पर ग्लास नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो हमने ले लिया, और काफी देर लगी यहाँ पे। फिलहाल चलते हैं भाई, अभी हम चल रहे हैं वापस पंचकूला जा रहे हैं। तो हमने अपना आईफोन के भी टेम्पर और बैक ग्लास चेंज करवा लिए, और ये फोन अपना बिल्कुल नया हो गया। मतलब अब तो देखने में मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल न्यू फोन ले लिया। ये अभी हम चंडीगढ़ घूम के आए हैं, तो सिद्धार्थ को लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, रास्ते में हम कहीं रुके नहीं खाने के लिए, तो अब ये पापड़ खा रहा है और सुमन बना के दे रही है इसको पापड़। और इसको मैं बोल रही हूं परांठे बना दूं, ऑप्शन दी है परांठे बनाने के लिए, खाना है और कुछ भी बना दूं, लेकिन खाए तो जब की बात है। और हमारे आते ही यहां पे हो गई बहुत तेज बारिश शुरू, और सारे के सारे देखो गार्डन में जितने लोग हैं सारे जो है शेड के नीचे चले गए, इधर भी और इधर भी। अभी एकदम से बहुत तेज बारिश हुई है, और 2-4 मिनट की बारिश के अंदर सब कुछ गिल्ला हो गया, और साथ में बरसात होगी बंद, और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं जो वो कर रहे हैं एंजॉय, क्योंकि बरसात में खेलने का मौका मिल गया उनको, गिरते जा रहे हैं और खेलते जा रहे हैं, बरसात में खेलने के अलग ही मजे हैं।